शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। पेट पहुंचे जहां उन्होंने रोड शो में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। तमिलनाडु में डीएमके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अन्ना नगर क्षेत्र में जी स्क्वायर शेयर होल्डर डीएमके विधायक एमके मोहन के पुत्र कार्तिक के निवास पर आईटी विभाग के ने छापा मारा, उसको लेकर प्रदर्शन किया गया। भूकंप के जबरदस्त झटकों से दहला न्यूजीलैंड, रिक्टर स्केल पर 7.2 रही तीव्रता। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने हाल ही में ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक बीएमडी इंटरसेप्टर की पहली सफल टेस्टिंग की है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का शुभारंभ, सीएम गहलोत ने भांकरोटा जयपुर में किया शुभारंभ, कहा आमजन को मिल रहा सरकार की योजनाओं का लाभ। बारिश और अंधड़ ने गर्मी के तेवर किए ढीले, बारिश से अप्रैल में हुआ हल्की सर्दी का एहसास। जयपुर में जेडीए का एक्शन, सांगानेर प्रताप राम प्रताप कॉलोनी में सीलिंग की कार्रवाई, बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत निर्माण करने पर कार्रवाई। बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, दो ट्रेलर की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत, हादसे में 3 लोग जिंदा जले, एक की हालत गंभीर। उदयपुर में शराब के ठेके पर युवकों ने मचाया उत्पात, तलवार लेकर शराब ठेका संचालक को धमकाया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई युवकों की वारदात। ट्विटर ने लौटाया शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण को ब्लू टिक, आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके इसके लिए वापस दिया। सनक गाने के विवाद पर बादशाह ने मांगी माफी, बोले जल्द रिलीज होगा नया वर्जन, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। किसी का भाई किसी की जान फिल्म का ऑडियंस पर चला जादू, वीकेंड पर सलमान की फिल्म ने 26.25 करोड़ रुपए की कमाई की। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने पूरा किया उम्र का अर्धशतक, सचिन मना रहे 50वां जन्मदिन। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की हैट्रिक, कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से दी मात। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ंत, मैच हैदराबाद के होम ग्राउंड पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अजमेर के ब्यावर में सदर थाना पुलिस ने कपड़ा व्यापारी के अपहरण और लूट प्रकरण का खुलासा किया, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं एक आरोपी फरार हुआ, फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।
चित्तौड़गढ़ के डुंगला में एलवा माता मंदिर का फूलादान पात्र। इस महामंदिर में 2,07,053 रुपए का चढ़ावा आया है। एलवा माता विकास समिति के समक्ष खोला गया मंदिर का दान पात्र। झालावाड़ में 24 अप्रैल से आयोजित राहत कैंपों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने मिनी सचिवालय के सभागार में प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन और वंचित वर्गों को महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आमजन की दैनिक उपयोग से संबंधित योजनाओं में लाभ दिलाने के पंजीकरण का कार्य किया जाएगा। बूंदी में महंगाई राहत कैंपों को लेकर जिला कलेक्टर ने प्रेस वार्ता में अहम जानकारियां दी हैं। कलेक्टर ने बताया कि नगर पालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायतों पर राहत कैंपों का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर अग्निवीर परीक्षा और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी परीक्षा की तारीख एक ही होने पर एबीवीपी ने महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। तेज गर्मी होने के बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। कोटा में भाजपा किसान मोर्चा के नेतृत्व में युवा बेरोजगारों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है और शिक्षक भर्ती निरस्त करने और नई भर्तियां निकालने की मांग रखी है। इस दौरान कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी यज्ञ में आहुतियां देने और युवाओं की मांग में शरीक होने के लिए पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आखा तीज के उपलक्ष्य में बालाजी मंदिर में विशेष सजावट हुई। रेलवे फाटक स्थित इच्छापूर्ण बालाजी का भी विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। डूंगरपुर के साकड़ उपखंड पर भारतीय ट्राइबल पार्टी का वादा याद दिलाओ अभियान के तहत गलिया कोट में पार्टी सचिव मोहन भाई डिंडोर के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने 70 साल की राजनीति पर सवाल निशान खड़ा किया। कहा कि दक्षिणी राजस्थान के विकास को लेकर बारी बारी से राज करने वाले बीजेपी कांग्रेस ने गरीब लोगों को धोखा दिया है। जोधपुर में भीषण गर्मी के सीजन में पक्षियों के बचान के लिए उड़ान फाउंडेशन का ब्लू परिंदे लगाओ अभियान चलाया जा रहा है। उड़ान फाउंडेशन अध्यक्ष वरुण धनाजिया ने बताया कि पक्षियों के बचाव के लिए अभी तक 750 से अधिक परिंदे लगाए जा चुके हैं। साथ ही आमजन से किसी न किसी तरीके से बेजुबान पक्षियों का सहारा बनने की अपील की गई है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भगवान चारभुजानाथ के विवाह समारोह से पहले निकाले गए भगवान की बिंदौली दशहरा मैदान स्थित ढाबेश्वर महादेव मंदिर से भगवान की शोभा यात्रा शुरू हुई। बिंदौली हाथी घोड़े और ऊंटों से निकाली गई विशेष झांकियां। बिंदौली में 11 महिलाएं कलश धारण कर शामिल हुई। अलवर के किशनगढ़ बास में महंगाई राहत शिविर को लेकर उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम गंगाधर मीणा और बीडीओ राजकुमार बायला ने कर्मचारियों और ठेकेदारों के साथ बैठक ली। बैठक में मॉक ड्रिल कराकर शिविर के सफल संचालन के दिशा निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ में बाल विवाह की सूचना पर पहुंची टीम पर हमले का प्रयास हुआ है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, पुलिस और संबंधित विभागों की टीम ने कार्रवाई की। टीमों ने बाल विवाह नहीं करने के लिए 6 परिवारों को पाबंद किया। धौलपुर के कंचनपुरा के दुर्वास बालाजी मंदिर के महंत को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें 26 अप्रैल तक 15 लाख रुपए की रंगदारी नहीं दी तो महंत समेत उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। महंत ने कंचनपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। चित्तौड़गढ़ के रोहित गोपाल सूत महाराज बने मेवाड़ धर्म प्रमुख। ज्योति पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नियुक्ति की है। रोहित गोपाल सूत महाराज के सानिध्य में बद्रीनाथ धाम ध्यान केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के खानपुर गांव में बाइक और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया है। सदर थाने के एएसआई थान सिंह ने जानकारी दी है। धौलपुर में पति पत्नी विवाद में ससुर ने दामाद पर चाकू से जानलेवा हमला किया। घायल दामाद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमलावर ससुर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आगामी 3 जून को अष्टादश कल्याण महाकुंभ का आगाज होगा। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन कैलाश मुंदड़ा पहुंचे हैदराबाद। पद्म विभूषण रामानुज त्रिदंडी जियर चिन्ना स्वामी से की मुलाकात कर अष्टादश कल्याण महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। धौलपुर में सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय अनिल कुमार सिंघल की द्वितीय पुण्यतिथि पर विशाल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अग्रसेन और स्वर्गीय अनिल सिंघल की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम में 825 मरीजों को चिकित्सा परामर्श दिया गया। जैसलमेर के ट्रांसपोर्ट नगर में कबाड़ गोदाम में आग लगी। गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। 5 दमकल गाड़ियों ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
चित्तौड़गढ़ में भारतीय जैन संगठन बदलेगा जल स्रोतों की सूरत। चित्तौड़गढ़ सहित 15 जिलों में काम करेगा बीजेएस। बिना किसी वित्तीय सहायता के जलाशयों के पुनरुद्धार का होगा काम। बीजेएस के पदाधिकारियों ने हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल से मुलाकात की। धौलपुर जिला अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार हुआ है। अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं का विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने उद्घाटन किया। अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए नवीनतम आईसीयू बेड के वार्ड का लाभ मिलेगा। नागौर के कुचामन सिटी में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर विप्र समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी शोभा यात्रा में शामिल विप्र समाज बंधु भगवा झंडा लिए जय परशुराम के नारे लगा रहे थे। शोभा यात्रा का समापन भव्य आरती के साथ किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में मौके पर दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन महिलाओं समेत छह बाराती गंभीर रूप से घायल हुए। बूंदी के केशवराय पाचन में स्कूटी सवार दो छात्राएं आई ट्रैक्टर की चपेट में। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, वहीं एक छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर में महंगाई राहत कैंप का आगाज हुआ। विधायक रूपाराम धनदेव ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कैंप का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर टीना डाबी और सभापति हरि वल्लभ कल्ला रहे मौजूद। विधायक धनदेव ने अधिक से अधिक लाभ लेने की आम जनता से अपील की है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। जयपुर के बस्सी में घायलों और मरीजों की जान बचाने वाली कानोता की 108 एम्बुलेंस खुद वेंटिलेटर पर है। एक माह में डिलीवरी एक्सीडेंट सहित इमरजेंसी के लगभग 50 मामलों का निस्तारण करने वाली एम्बुलेंस की तरफ तीन विधायकों में से किसी का भी ध्यान नहीं है। जयपुर के वार्ड नंबर 117 जैन कॉलोनी जगतपुरा सड़क निर्माण का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम ग्रेटर चेयरमैन रामस्वरूप मीणा के मार्गदर्शन में सड़क निर्माण का उद्घाटन किया गया। जोधपुर के फलौदी में पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा। ऑपरेशन के तहत पुलिस टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ 9 जगहों पर स्मैक बेचने वालों को घर पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव ने जानकारी दी है। नागौर के रियाबड़ी में महंगाई राहत शिविर को लेकर पंचायत समिति परिसर में उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने बैठक ली। उपखंड अधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार उपखंड में महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक शिविर 2 दिन का होगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन शिविरों के माध्यम से लाभान्वित किया जा सके। नागौर के रियाबड़ी में ब्रह्मा बगीची में ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में भगवान परशुराम जयंती मनाई गई। ब्राह्मणों ने भगवान परशुराम का विधिवत पूजा अर्चना कर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा की। इस अवसर पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। जोधपुर के फलौदी में एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने रक्षक नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली। साथ ही युवाओं को नशा मुक्त करने को लेकर किए जा रहे उपचार को लेकर केंद्र के संचालक भास्कर पुरोहित से जानकारी प्राप्त की गई। प्रतापगढ़ में सकल ब्राह्मण समाज उत्सव समिति की ओर से प्रतिभावान छात्र छात्राओं और वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विधायक रामलाल मीणा की अध्यक्षता में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा रोड स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम के 220 केवी जीएसएस पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्युत निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम से पहले यज्ञ हवन कर पौधों की पूजा अर्चना की गई। राजसमंद में भगवान परशुराम जयंती पर सर्व ब्राह्मण समाज ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में क्षेत्र के सर्व ब्राह्मण समाज के करीब 5000 समाज जन एकत्रित हुए। शोभा यात्रा में महिलाएं कलश और पारंपरिक वेशभूषा पहनकर शामिल हुई। शोभा यात्रा श्रीनाथ वाटिका पहुंची, जहां महाआरती और महाभोज का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा 8 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 26 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस बरामद डोडा चूरा के विषय में पूछताछ करेगी। नागौर में जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने नगर परिषद के राहत कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया। राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। जिले के सभी उपखंड क्षेत्रों में प्रारंभ हुए महंगाई राहत शिविर 24 अप्रैल से 30 जून तक चलेंगे। महंगाई राहत कैंप शिविर जिले की 494 ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्र के 523 वार्ड में आयोजित किए जाएंगे ये कैंप। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच के लिए प्रतापगढ़ के खेल गांव में शिविर का आयोजन किया गया। 4 मई तक चलने वाले इस शिविर में 412 अभ्यर्थियों का विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से शारीरिक परीक्षण किया जाएगा।
दौसा में आईजी पुनर्गठन भरत लाल मीना पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। पुलिस लाइन में परेड और क्राइम सीन क्वेश्चन का जायजा लिया गया और इस दौरान एसपी संजीव नैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के बौली के सपूत पुलिस कांस्टेबल भरत लाल मीना पंचतत्व में विलीन हुए। पुलिस लाइन सवाई माधोपुर में बतौर ड्राइवर कार्यरत वो थे। पुलिस सम्मान के साथ कोडियाई गांव में अंत्येष्टि हुई। लाइन से आए जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। झालावाड़ में सूरजपुरा नाले के पास बाइक सवार गिर गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करने के बाद एसआरजी अस्पताल उसे रेफर किया गया। बकानी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसलमेर में ब्रह्मासर तीर्थ छरी पालित पदयात्रा संघ का भव्य आयोजन किया गया। जैन समाज द्वारा आयोजित चतुर्वी संघ यात्रा में आचार्य जैन मनोज्ञ सागर महाराज की अगुवाई में यात्रा वैशाखी तीर्थ स्थल पहुंची। चार दिन में 31 किलोमीटर की पदयात्रा कर देश में वसुधैव कुटुंबकम जन कल्याण विश्व शांति का संदेश दिया गया। जैसलमेर के फलसूंड ग्राम पंचायत की राजीव गांधी सेवा केंद्र पर महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ हुआ। कांग्रेस पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गुदारा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। धौलपुर में पुलिस का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए कार्मिक विभाग के आईजीपी नवज्योति गोगोई अपने एक दिवसीय दौरे पर जिला पहुंचे। आईजीपी गोगोई ने पुलिस जवानों द्वारा आयोजित परेड की सलामी ली। वहीं पुलिस के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया, जिसके बाद आईजीपी ने पुलिस लाइन में मौजूद वाहनों को लेकर पुलिस के अधिकारियों से जानकारी ली। नागौर के लांडरू में बल्दू गांव के वन विभाग में आग लगी। आग ने करीब 30 बीघा जमीन को अपनी चपेट में ले लिया। सारे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में के समेचा क्षेत्र में होमगार्ड जवान आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों का तीसरे दिन भी धरना जारी है। पुलिस ने एक युवती समेत तीन लोगों को राउंडअप किया है, जिनसे पूछताछ जारी है, लेकिन परिजन खाजूवाला के एक कांस्टेबल समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। चुरू के रतनगढ़ में शराब के नशे में ट्रक चालक ने हाईटेंशन बिजली के लाइन के बिजली टावर को टक्कर मार दी। घटना के बाद करीब आधा दर्जन वार्डों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब 2 घंटे बाद दुरुस्त हो पाई बिजली। मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक चालक को थाने लेकर गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में फल सब्जी मंडी में दुकान का टीन शेड गिरने से एक मजदूर घायल हो गया। घायल मजदूर को प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर किया गया। सिरोही के दशहरा मैदान पर आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने प्रस्तुति दी। प्रस्तुति सुनकर लोटपोट हुए दर्शक, साथ ही कई ख्यातनाम कवियों ने भी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर पद्मश्री महाराज रघुवीर सिंह देवड़ा, विधायक लोढ़ा, जिला कलेक्टर समेत अधिकारी और शहरवासी मौजूद रहे। चुरू के सुजानगढ़ में महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने किया। अम्बेडकर भवन में लगे राहत कैंप का शुभारंभ कर विधायक मनोज मेघवाल ने शिविर का अवलोकन किया। सीकर में महंगाई राहत शिविर का जिला कलेक्टर ने उद्घाटन किया। आमजन को मिलेगी महंगाई से राहत। जिले में होंगे 80 स्थायी शिविर। पहले दिन 14 स्थानों पर आयोजित हुए शिविर। और चलिए इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।